आज़ाद भारत के इतिहास में ये मुकदमा ऐतिहासिक है, क्योंकि इस हत्याकांड में मरने वाले एक राजा थे। जिस वजह से यह हत्याकांड हुआ उसकी वजह मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर था। पूरी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के शहर भरतपुर से। तारीख थी 20 फरवरी 1985। उस वक्त राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और राजा मानसिंह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में भरतपुर की डीक सीट से खड़े हुए थे। 20 फरवरी 1985 को ही उस वक्त के राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की सभा डीक में होनी थी। बताते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने राजा मानसिंह का राजसी झंडा उतारने के बाद वहां पर कांग्रेस का झंडा लगा दिया था। इस बात से मानसिंह इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने डीग इलाके में होने वाली मुख्यमंत्री की सभा का मंच अपने जोंगे की टक्कर से तोड़ दिया और मैदान में ही खड़े मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में भी जोंगे की टक्कर से बुरी तरह तोड़ डाला था। इसके अगले दिन 21 फरवरी को पुलिस और राजा मानसिंह के बीच हुई फायरिंग में राजा मानसिंह समेत 3 लोग मर गए थे। इस हत्याकांड के बाद मचे बवाल से घबराकर सरकार ने 28 फरवरी 1985 को ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 14 पुलिस वालों को आरोपी बनाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस की सुनवाई राजस्थान के बाहर मथुरा में होने लगी। 35 साल चले इस मुकदमे में आखिरकार 11 पुलिस वालों को दोषी माना गया, जबकि 3 लोगों को निर्दोष घोषित कर दिया गया। 22 जुलाई को इन दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। भरतपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले राजा मानसिंह 7 बार निर्दलीय विधायक रहे थे। इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपने हाथ आजमाए थे और वो राजस्थान में जाटों के बड़े नेता भी माने जाते थे।